ये बीकानेर का जोड़ बीड जंगल है, यानी कि जोड़ और बीड दो गांव हैं, दोनों का गांव का जंगल जो रिजर्व क्षेत्र में ले लिया, संरक्षित वन प्रदेश में ले लिया। और ये नापास और गाड़वाला दोनों के बीच में काफ़ी लंबी एकड़ भूमि में पाया जाता है, कवर किया हुआ है राजस्थान सरकार और वन विभाग। आज हम यहाँ दिखा रहे हैं, सब्जियों का समय है, आज 24 नवंबर 2022 है और सारे गिद्धों का पहला जत्था बीकानेर आके पहुँचा है और सारे के सारे प्यासे गिद्ध हैं, पानी पीने के लिए आए हैं। इस पानी के नील गाय भी आ रही है, नील गाय एसोफिलस जिसे नील गाय कहते हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रोबस्ट प्राणी है, ये भी पानी पीने आ रहा है। थोड़ा इसका भी जायज़ा लेते हैं, बहुत शानदार प्राणी है ये भी। ग्रेट थार डेजर्ट शुष्क रेतीला प्रदेश है जहाँ पानी की बहुत किल्लत है और ये पानी आर्टिफिशियली डलाया हुआ है, और इस पानी को पीने के लिए गिद्ध भी आ रहे हैं, छोटा सा वाटर होल है और ये नील गाय भी आ रही है। ये है नील गाय, ये घने जंगलों में जाने से परहेज करता है और घास कटीली झाड़ियाँ तथा छोटे मोटे पेड़ घास वाले इलाकों में रहना ही पसंद करता है, जैसे जोड़ भी है इनके लिए बहुत पसंदीदा जगह है। नील गाय नाम नील और गाय से मिलकर बना है, नील उर्दू शब्द से बना है जबकि गाय हिंदी शब्द है। मुगल काल में बादशाह औरंगजेब के समय इसे नील घोड़ कहते थे, नीला घोड़ा कहा जाता था। नील गाय एक शक्तिशाली प्राणी है जो भारत के कई हिस्सों में पाया जाता है। ये प्राणी इसलिए भी चर्चा में क्योंकि इसकी प्रजाति को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी 1992 में, और फाइलोजेनेटिक स्टडी के अनुसार डीएनए की जांच से पता चला था कि बोसेलिफेनी यानी कि बकरी और भेड़ प्रजाति जिसके अंदर आती है बोसेलिफेनी, और बोविनी जिसमें गोवंश या गाय वगैरह आते हैं, और ट्रेजलफिनी जिसमें हिरण आते हैं एंटीलोप वगैरह आते हैं, तीनों प्रजाति के जानवरों से मिलकर इसके डीएनए की पुष्टि हुई है। तो नील गाय इस तरह से ना तो गाय है बल्कि घोड़े जैसा इसका शरीर है, छः ऊँचे गाय जैसे इसके सींग है, और एक ऊपर मैन ये जैसे आयाल होता है घोड़े के, वैसे इसके आयाल भी पाया जाता है। बहुत रोबस्ट है, हष्ट पुष्ट बलशाली जानवर है, ताकतवर है, और ये लगभग 200 किलो तक का भारी हो जाता है। कई कई बार तो बाघ भी इसका शिकार नहीं कर पाता, ये इतना अधिक ताकतवर होता है कि इसकी टक्कर से छोटी मोटी गाड़ियां कार पलट जाती हैं। 2001 में हुई गणना के अनुसार भारत में नील गाय की संख्या करीबन 10 लाख आंकी गई थी। नील गाय बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है और खराब से खराब सतह पर भी बिना थके लंबी दूरी तक लगातार दौड़ सकता है। यह कम आवाज़ करता है लेकिन लड़ाई के वक्त बेहद तेज आवाज़ निकालता है। मादा नील गाय का रंग धूसर मटमैला या भूरा होता है जबकि नर का रंग थोड़ा नीलापन लिए होता है। नर के गले पर सफ़ेद बड़ा धब्बा होता है जबकि मादा पर ये निशान नहीं होता है।